दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं निशांत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। दूरदर्शन पर रामानंद सागर का रामायण सीरियल जब से लौटा है, इसके कलाकार फिर से सक्रिय हुए हैं। उनकी तरफ कैमरे घूमे हैं, उनसे बात हो रही है, कलाकार उस दौर की कहानियां शेयर कर रहे हैं। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इन दिनों ट्विटर पर काफी सक्रिय हैं। इसी सिलसिले में ट्विटर पर फिल्म फेयर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें किसी सरकार की तरफ से कभी कोई सम्मान नहीं मिला। उन्होंने लिखा, चाहे कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मुझे आज तक किसी सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन उस सरकार ने भी मुझे आज तक कोई सम्मान नहीं दिया। और यहाँ तक कि मैं 50 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने भी कोई सम्मान नहीं दिया है। इस पर लोगों ने क्या कहा, ये भी जान लीजिए। इस पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा कि आपको जनता ने सम्मान दिया है, इसलिए सम्मान की जरूरत नहीं है। तो किसी ने कहा कि ये सरकारों की भूल है। बीजेपी MLC सरोजनी अग्रवाल ने कहा, जनता आपको भगवान राम मानकर पूजा करती है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार क्या होगा। एक यूजर ने लिखा, आपकी बात सही है, सरकार को सम्मान देने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन एक सच ये भी है कि आपके अभिनय की वजह से लोगों ने अपने दिलों में आपको जो स्थान दिया, जो सम्मान दिया, वो सरकार के किसी भी सम्मान से ज़्यादा बड़ा है। एक यूज़र ने लिखा, हमारे घर में आज भी रामायण को अरुण गोविल वाली रामायण कहा जाता है। एक ने कहा, सुनकर दुख हुआ सर कि आज भी पुरस्कार सम्मान मुंह देख कर दिया जाता है, ना कि काम के आधार पर। अपनी खास इमेज पर क्या बोले अरुण गोविल। रामायण के बाद अरुण गोविल की एक खास पहचान बन गई। उन्होंने कई फिल्में और सीरियल्स किए, लेकिन लोगों ने उन्हें स्टीरियोटाइप कर दिया, उनका करियर प्रभावित हुआ। इस पर बहुत बातें हुई हैं। इससे जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, रामायण के बाद मुझे कमर्शियल फिल्में मिलनी बंद हो गई, हर बात के निगेटिव पॉजिटिव पहलू होते हैं। रामायण से मुझे जो कुछ मिला वो शायद मैं कितनी भी फिल्में कर लेता मुझे नहीं मिलता। भगवान राम ने अपना नाम मेरे साथ जोड़ दिया, और क्या देगा भगवान, मैं इंसान ही बना रहूं, बहुत है मेरे लिए। राम के किरदार के लिए तैयारियों पर उन्होंने कहा, मैंने कोई फिल्म नहीं देखी, अपने घरों में उनकी जो तस्वीरें हैं वही देखी थी, उनके तमाम गुणों के आधार पर उनकी कल्पना की थी। शूटिंग से पहले हमने राम के लुक में फोटो निकाली ये देखने के लिए कि हम कैसे दिखते हैं। आगे वो कहते हैं, मुझे राजकुमार बड़जात्या जी की एक बात याद आ गई थी कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, इसे किसी दिन यूज़ कीजिएगा। मैंने अपनी मुस्कान यहाँ यूज की और उसने मेरा काम आसान कर दिया। अरुण गोविल के अलावा लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी, सीता का रोल करने वाली दीपिका चिलकिया, रावण का रोल करने वाले अरविंद त्रिपाठी भी इन दिनों पुराने मोमेंट्स और अनुभव शेयर कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और ललन टॉप का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।